दोस्तों, भारत देश को लूटने और नुकसान पहुंचाने वाले असंख्य थे और आज भी हैं। लेकिन जो नुकसान सन 1200 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करने पर हुआ, उसकी भरपाई असंभव है। तुर्क सेनापति और लुटेरे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भारतीय ज्ञान और वैभव का ऐसा प्रभाव देखा कि वो जलन और ईर्ष्या की भावना से भर उठा। एक बार बुरी तरह बीमार होने और जान पर बन आने की वजह से उसे आखिरी विकल्प के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और चिकित्सक श्री राहुल भद्र जी की शरण में जाना पड़ा। लेकिन अटपटी शर्त रखते हुए उसने उनके हाथों किसी भी प्रकार की दवा लेने से इनकार करते हुए भी स्वस्थ न कर पाने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दे दी। आचार्य जी की विनम्रता थी कि इतने पर भी उन्होंने उस दुष्ट की ये शर्त मान ली और अगले ही दिन कुरान की एक किताब लेकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने बख्तियार खिलजी से कुरान के कुछ निश्चित पन्नों पर लिखी आयतों को दिन में कुछ निश्चित समय तक पढ़ते रहने का आग्रह किया और बताया कि ऐसा करते रहने से कुछ ही समय में वह पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन एहसान मानने की जगह खिलजी ईर्ष्या और गुस्से से भर उठा और भारतीय चिकित्सकों के इस अद्भुत ज्ञान से उसे जलन होने लगी। दरअसल आचार्य ने खिलजी से कुरान के जिन पन्नों को पढ़ने के लिए कहा था, उनके कोनों पर उन्होंने दवा का लेप कर दिया था और खिलजी पन्नों को पलटने के लिए उन्हें छूता व थूक चाटकर पलटता, जिसके कारण दवा उसके मुंह में जाती रहती और इस तरह दवा के अद्भुत प्रभाव से उसकी बीमारी जाती रही। लेकिन खुद पर किए गए उपकार के बदले उस दुष्ट ने भारतीय ज्ञान और शिक्षा को अपूर्णीय क्षति पहुँचाने का मन बना लिया और इसी दुष्ट विचार को लिए नालंदा जा पहुँचा। आत्मा को झकझोर देने वाले भीषण नरसंहार और निहत्थे व मासूम शिक्षकों व विद्यार्थियों को जिंदा जलाने के बाद बख्तियार खिलजी की सेना ने संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां रहते थे 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक। और इसी विश्वविद्यालय में मौजूद था दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय, जिसका नाम था धर्मगुंज। इस पुस्तकालय की बहुमंजिला इमारत के तीन हिस्से थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर, जिसमें मौजूद थी लाखों की संख्या में किताबें। इन किताबों में भारत के ऋषि मुनियों और प्रकांड विद्वानों द्वारा लिखी गई किताबों की मूल प्रतियां भी थीं, और इनमें मौजूद था अथाह ज्ञान, जो कभी भी लोगों के सामने नहीं आ सका और जिसका प्रयोग समाज व मानव कल्याण के लिए भी कभी दोबारा नहीं किया जा सका, क्योंकि इन्हीं किताबों के साथ उन्हें पढ़ने और पढ़ाने वालों को भी सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था। भारत के अद्भुत ज्ञान और ज्ञानियों को दुनिया के सामने न आने देने की खिलजी की अपवित्र मनसा रंग लाई और धर्मगुंज आग की लपटों में समा गया। कहा जाता है कि लाखों की संख्या में किताबों के मौजूद होने के कारण धर्मगुंज 3 महीनों तक लगातार जलता रहा और इसी के साथ जलती रही भारतीय ज्ञान की वो महान परंपरा, जिसने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का अलख जगाया। और इस तरह उस समय दुनिया का पहला व एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वाला विश्वविद्यालय, कुल मिलाकर 15,000 विद्यार्थियों और शिक्षकों वाला विश्वविद्यालय, दुनिया में अपनी अनूठी शिक्षा व्यवस्था वाला विश्वविद्यालय, अत्यधिक विशाल क्षेत्र में बने हुए और सुंदर इमारतों वाला नालंदा विश्वविद्यालय सदा के लिए नष्ट कर दिया गया। आज भारत सरकार द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन आज से कई शताब्दियों पहले घटी इस घटना की भरपाई अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं की जा सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।